नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। जिस तरीके से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, उस बीच बिहार में राजनीति भी तेज होती जा रही है। कई अन्य पार्टियां जो कि विपक्ष में हैं, सरकार का लगातार विरोध कर रही है। इस बीच अब कांग्रेस भी उसमें शामिल हो गई है। दरअसल पिछले दिनों जैसे हमने बताया था आपको कि कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने जब सरकार से आरोप लगाए थे, सरकार के ऊपर आरोप लगाए थे और गंभीर आरोप थे, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने अपने अब नए नए नियम जारी किए हैं, जब क्वारंटाइन सेंटरों में लोग तंग होकर के अपनी व्यवस्था को, वहाँ की जो स्थिति है उसको लेकर के जब तंग होकर के उसके खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अब सरकार ने जब उसको लेकर के आदेश जारी किए कि जो लोग भी अगर प्रदर्शन करेंगे तो उनको सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। इसके बाद अब कांग्रेस जो है वो सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब कांग्रेस नेता मदन मोहन झा के बाद अब प्रेमचंद्र मिश्रा ने भी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान क्या कुछ कहा मदन मोहन झा ने, सुनिए। वो उसके द्वारा जारी आदेशों से स्वतः प्रमाणित होता है। पहले नीतीश जी ने खुद घोषणा की थी कि जो मजदूर बाहर से बिहार लौट रहे हैं, हम उन्हें 14 दिनों का क्वारंटीन केंद्रों में रखेंगे और जब वो घर जाने लगेंगे तो उन्हें रेल का किराया प्लस 500 रुपये दिया जाएगा सरकार की तरफ से। खाने पीने का बेहतर इंतजाम का वादा किया गया था, पेयजल का, शौचालय का, लेकिन आए दिन इन क्वारंटीन केंद्रों पर लगातार हंगामे की तस्वीरें आती हैं, उन्हें पुलिस के लाठी डंडे से रोका जाता है और अब सरकार ने आदेश जारी किया कि जो कुछ भी खाने को मिल रहा है चुपचाप खाइए, नहीं तो कोई सुविधा आप लोगों को नहीं दी जाएगी। ये रिटेन आदेश है। मीडिया पर प्रतिबंध पहले से लगा रखा है कि मीडिया क्वारंटीन केंद्रों की कवरेज नहीं करेगी, लेकिन अब जो नया आदेश आज जारी हुआ सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा, वो तो हद है। कोई सरकार इस तरह का आदेश कैसे जारी कर सकती है अपने अभावग्रस्त लोगों के लिए? उस आदेश में लिखा है कि हम 1000 रुपये की सहायता उन्हीं प्रवासी बिहारी मजदूरों श्रमिकों को करेंगे जिनका बैंक अकाउंट सिर्फ और सिर्फ बिहार में होगा। सवाल ये उठता है कि जो लोग आंध्रा से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, अन्य प्रांतों से लौटे हैं बिहार मजबूरी में, जिनको खाने पीने को नहीं है, अभाव में है, जिनका रोजी रोजगार वहाँ चलता था, जिनका बैंक अकाउंट वहाँ होगा, क्या उन्हें ये शर्त लगा देना कि नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा तो कहा हम तभी देंगे जब आप पटना में और बिहार में आपका बैंक अकाउंट होगा। कांग्रेस के नज़र में ये तुगलकी फरमान मजदूर विरोधी है। ऐसे फरमानों की हम तत्काल वापसी की मांग करते हैं और सरकार से यह गुजारिश करते हैं कि मजदूरों के साथ राजनीति मत करिए, ये बिहार के ही लोग हैं, संकट में हैं, उन्हें उदारतापूर्वक मदद कीजिए। उनके बैंक खाते में 1000 नहीं, 7500 रुपये और 3 महीने का राशन का इंतजाम उनके लिए करिए। और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।